जीवन में मोटिवेशनल स्टोरीज का एक अलग ही महत्व होता है। जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा हुआ पाते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए कोई भी मोटिवेशनल शब्द या कहीं लिखे प्रेरक वाक्य या फिर प्रेरणादायक कहानियां यानी कि इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकाल कर एक नए मोटिवेशन अंदर से आएगा। जी हाँ गाइस, टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे, आज आपको मैं बताने वाला हूँ आखिरी प्रयास के बारे में। ये आखिरी प्रयास क्या है? तो गाइस ज़्यादा देर नहीं करते, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप देख रहे हो विवेक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल, और इसमें मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी स्टोरी जो आपके जीवन को बिल्कुल ही बदल देगी। गाइस आखिरी प्रयास एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। जी हाँ गाइस, वो एक पत्थर किसी विदेशी ने उस राजा को दिया गिफ्ट के तौर पे। राजा वह पत्थर देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया गया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे वह पत्थर देते हुए बोले, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं, 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करके आप राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। जी हाँ गाइस, 50 स्वर्ण मुद्राएं उस समय में बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। और इस बात को सुनकर मूर्तिकार बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए और अपने औजारों से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर को तोड़ने का जो है प्रयास उसने स्टार्ट कर दिया। जी हाँ गाइस, उसने उस पत्थर पे हथौड़े से वार करने लग गया, लेकिन पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार उस पत्थर पर किए किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 से प्रयास किया है उसके बाद भी उस पत्थर को वो नहीं टूट पाया। उसके बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने अपना हाथ खींच लिया कि अब 50 बार वार करने पर भी ये पत्थर जब नहीं टूटा है तो अब क्या टूटेगा। जी हाँ गाइस, उस पत्थर को लेकर स्वर्णकार ने वापस उस पत्थर को लेकर महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कराया कि यह इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती है। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर जो महामंत्री जी उनके सामने बैठे थे वो सोचने लगे कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो वो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राएं का हकदार बनता। गाइस आज इसकी इस वीडियो से आपको यही सीख मिलता है। आपको कैसा लगा वीडियो बताना नीचे कमेंट करके। और सीख हमें ये मिलता है कि एक अंतिम प्रयास हमें अपने लाइफ में किसी काम को करने के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो गाइस कैसा लगा वीडियो बताना नीचे कमेंट करके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।